तो मेरे पास से डेटा है और ये डेटा छोटा है, लेकिन हो सकता है कि डेटा बड़ा हो और मुझे करना है इसको फिल्टर। तो फिल्टर कैसे करें इसको? तो बोले फिल्टर कौन सी बड़ी बात है कि हम यहाँ पे फिल्टर कर लेंगे, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा क्राइटेरिया ज्यादा है। जैसे मैंने इन क्राइटेरिया को यहाँ रख दिया, मैं बोलता मुझे पूजा का डेटा चाहिए, मुझे ओम का डेटा चाहिए। ठीक है, पूजा जिसका अप्रैल में 50 से ऊपर सेल है, ओम का जून में लेस देन 80 सेल है, सिटी मैं चाहता हूं कि MUZ का पूरा डेटा आना चाहिए, ऑल ओवरऑल डेटा। उसके बाद मैं चाहता हूं कि जो ग्रेटर देन 60 वाले अप्रैल का डेटा है वो आना चाहिए। तो इतने सारे हमें लॉट ऑफ कंडीशंस है। तो इस केस में हम यूज करते हैं एडवांस फिल्टर, डेटा में एडवांस फिल्टर। अब यहाँ पे आपके सामने आ गया रेंज जहाँ पे आपका डेटा है, और क्राइटेरिया रेंज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे ये आपका देखिए फिल्टर हो गया। तो आपका जो फिल्टर हुआ है, जो क्राइटेरिया आपने सेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग फिल्टर हुआ है। लेकिन मुझे फिल्टर नहीं करना है, मुझे जो है एडवांस फिल्टर पे जाना है, और मुझे इसको किसी और लोकेशन में करना है। तो कॉपी टू अनोदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो यार कॉपी टू के एरिया आपका आ जाएगा। इस पे मैं कोई और एरिया क्लिक करके ओके कर दिया, तो देखिए वो डेटा यहीं पे कॉपी पेस्ट हो गया। बात आती है कि क्या ये किसी दूसरे शीट पे डेटा को कॉपी कर सकता है? तो चलिए करके देखते हैं। हम यहाँ पे कॉपी टू अनोदर लोकेशन पे जाते हैं और इसके जगह पे C2 का रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, 2013 तक तो नहीं होता था और आगे भी नहीं होगा, मतलब कि आप कॉपी जो है सेम सीट के किसी लोकेशन पे कर सकते हैं, किसी अनोदर शीट के लोकेशन पे नहीं कर पाएंगे। एडवांस फिल्टर की जो प्रॉपर्टी है कि आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, जैसे कि आपने डी सम डी काउंट फॉर्मूले में किया है, सेम उसी तरह से यहाँ कर सकते हैं। कॉपी टू अनोदर लोकेशन में जाके आप जो है किसी भी लोकेशन दे सकते हैं ताकि वो डेटा फिल्टर ही न करे, कॉपी कर दे। उसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा लिस्ट ले रखा है जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है, जैसे मैंने इसी को अगर मान लीजिए लिया और इसमें रिपीट हो गया, अब मुझे इसमें से यूनिक डेटा चाहिए। यूनिक डेटा निकालने के कई सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे यूनिक का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए यूनिक का फॉर्मूला लेटेस्ट एक्सेल में है, इसलिए आपको लेटेस्ट एक्सेल में अगर है तो यूनिक का फॉर्मूला लगाएंगे तो सारे यूनिक लिस्ट आपको निकल जाएगा, पहली चीज। दूसरा, आप एक काम कर सकते हैं कि इसी में कॉपी टू सॉरी एडवांस फिल्टर में, एक मिनट पूरा एरिया सेलेक्ट है, एक एरिया सेलेक्ट करें। हाँ, एडवांस फिल्टर में हम जाते हैं और यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ कॉपी टू अनोदर लुक या यहाँ पे रखते हैं और यूनिक कर देते हैं तो सिर्फ फिल्टर हो जाएगा, जितने भी आगे फिल्टर हो जाएगा, लेकिन लिस्ट मुझे कहीं और चाहिए। तो एडवांस फिल्टर, यहाँ पे एडवांस फिल्टर लगाइए, ओके कीजिए और कॉपी टू अनोदर लोकेशंस और अपना लोकेशन सेट कर लीजिए, सॉरी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया को यहाँ से हटा दीजिए, कोई क्राइटेरिया है ही नहीं तो क्राइटेरिया की डालेंगे क्या। कॉपी टू अनोदर लोकेशंस और यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड ओनली क्लिक कीजिए, रिकॉर्ड्स दूसरे जगह पे वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे कहीं कॉपी नहीं करना है, मेरे पास जो ऑलरेडी लिस्ट है ना उसी को रिमूव करना है। मैं चाहता हूँ कि इसमें के जितने भी डुप्लीकेट्स नेम है वो रिमूव हो जाए और सिर्फ यूनिक नेम दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे डेटा मेन्यू बार में आपके यहाँ दिखेगा रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट क्लिक कीजिए, आपका डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। तो शिवम जी, प्रवीण जी, समझ में आया आपको हाउ कैन रिमूव द डुप्लीकेट्स? जी जी सर, यस सर,